3 साल के दौरान 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जो कि एक ही गांव और एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। लवाहकिन का कहना है कि मारे भाई के कत्ल का मुकदमा एसपी मुजम्मल हुसैन और डीएसपी खानिया मियां रियाज के खिलाफ दर्ज किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं अवान टीवी यूट्यूब चैनल। ना अफसोसनाक वाकया जो कल गुजरात के थाना ककराली के इलाका कोटा बली खान नवाही गांव बुटर में जो पेश आया। तफसीलात शामिल करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक हर वक्त पहुँच सके। नाजिन, गुज़श्ता रोज़ थाना ककराली के गांव बुटर में अजर के कत्ल का जो अफसोसनाक वाकया पेश आया। इतलात के मुताबिक चौधरी अब्बर रजा कोटला आईजी पंजाब से रबते में है इस केस के मुतल्लिक, जबकि चौधरी शबीर रजा कोटला मौका पर अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने जो लवाहिकीन हैं मकतूल के उनके साथ वो मुकम्मल रिपोर्ट है उसका जो है वो यकीन दहानी कराई और उन्होंने कहा कि तमाम दर वसाइल हैं, तमाम दर जो कोची हैं वो मकतूल के जो वारसान हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो हम जो है वो बुरे कार लाएंगे। चौधरी नईम रजा कोटला ने भी इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी कराई, जबकि रोज आज सुबह जो कोटला मार्केट है वो मुकम्मल तौर पर बंद रही। सदर जो मार्केट कमेटी हैं उनकी जानिब से गुज़श्ता रात ऐलान किया गया कि मार्केट जो है वो बंद रहेगी, कि उनके जो ताजर के जो कत्ल का मामला है और उस सोग में उन्होंने आज मार्केट के जो मार्केट कोटला मार्केट बंद रखने का ऐलान किया। जबकि आज लुहाकी ने मकतूल की लाश को लंगड़ियाल चौक में रखकर एहतजाज किया। बाद में ये एहतजाज जीटी रोड बिस्मिल्ला मोड़ खारियाँ के मकाम पर एहतजाज वहाँ पर मुंतकिल हुआ, जो कि कई घंटों तक एहतजाज जारी रहा। जीटी रोड ब्लॉक रही और इसके बाद एक मुज़ाकरात का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ इंतज़ामिया के साथ। डीपीओ गुजरात वहाँ पर पहुँचे, शुरू में ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके, जबकि बाद में कोटला बरादरान चौधरी नईम रजा कोटला और चौधरी शबीर रजा कोटला और जो तमाम जो कोटला बरादरान की जो जमानत पर की गारंटी पर जो है उन्होंने मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हुए और उसके बाद जो है जीटी रोड, जबकि इंतज़ामिया ने 1 महीने का टाइम लिया मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए, जिसके बाद जो जीटी रोड है वो ट्रैफिक के लिए खोल दी गई, जबकि इस दौरान लोग दीगर जो रास्ते हैं उनसे गुजरते हुए ट्रैफिक जो है वो चंद एक जो गाड़ियां हैं वो दूसरे मुतबाद रास्तों से गुजरती रहीं। ये थी एक अहम अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।